चार महिला पहलवानों ने पानीपत में जीते मेडल। द्रोणाचार्य अवार्डी ओम प्रकाश दहिया ने जानकारी देते हुए बताया कि खेलो इंडिया वुशु वुमेन लीग में प्रताप स्कूल खरखौदा की चार महिला खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं। खिलाड़ियों ने 3 स्वर्ण व 1 कांस्य पदक जीतकर सोनीपत जिले व प्रताप स्कूल खरखौदा का नाम रोशन किया है। पदक विजेता खिलाड़ियों में ईशा 45 किलोग्राम, अपर्णा 52, दीपिका 60 ने स्वर्ण पदक व गरिमा 56 ने कांस्य पदक प्राप्त किया है। पदक विजेता खिलाड़ियों का विद्यालय प्रांगण में पहुंचने पर द्रोणाचार्य अवार्डी ओम प्रकाश दहिया, निदेशक प्रताप स्कूल, प्राचार्य दया दहिया, अकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर सुबोध दहिया, डॉक्टर दीपिका दहिया व वुशु कोच विनोद गुलिया ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को पदक जीतने पर बधाई दी। पदक जीतने पर स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों का चयन नॉर्थ जोन खेलो इंडिया वुशु वुमेन लीग जो कि कश्मीर में आयोजित होगी के लिए हुआ है। नॉर्थ जोन खेलो इंडिया वुशु वुमेन लीग में भी इन खिलाड़ियों से पदक की पूरी पूरी उम्मीद है। द्रोणाचार्य अवार्डी ओम प्रकाश दहिया ने यह भी बताया कि इससे पहले दीपिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1 व राष्ट्रीय स्तर पर 9, अपर्णा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1 व राष्ट्रीय स्तर पर 6 तथा ईशा राष्ट्रीय स्तर पर 4 बार पदक प्राप्त कर देश व प्रदेश का नाम रोशन कर चुकी है। मैं दीपिका दहिया, वुशु इंटरनेशनल प्लेयर, हाल में हुई वुमेन लीग स्टेट में मेरा गोल्ड मेडल आया है। मैं चाहूंगी कि इसकी नॉर्थ जोन और नेशनल में भी मैं अच्छा परफॉर्मेंस देके आगे की तैयारी बढ़ाऊं। हमारे कोच विनोद गुलिया को साहब जी, जो हमारे साथ इतनी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, उनके तहत चलते हुए हम आगे भी मेडल प्राप्त करेंगे। मैं प्रताप संस्था का और ओम प्रकाश को साहब जी का धन्यवाद करना चाहूंगी, जो इन्होंने हमारा इतनी अच्छी सुविधा दी, जिसके कारण हम अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर मेडल प्राप्त करने में कामयाब रहे हैं। धन्यवाद। इस स्टेट से पहले भी मैं इंटरनेशनल और 9 बार की नेशनल मेडलिस्ट रही हूँ और आगे भी ऐसी ही तैयारी रखे मैं और अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाकर अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दूंगी। मेरा नाम अपर्णा, मैं प्रताप स्कूल में वुशु की प्रैक्टिस करती हूँ। मैंने 28-29 अगस्त को जो पानीपत में खेलो इंडिया वुशु वुमेन लीग स्टेट लेवल की, जिसमें मैंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। मैं अभी इसके जोनल और नेशनल लेवल की तैयारी कर रही हूँ। मैं चाहूंगी कि वहाँ भी मैं मेडल प्राप्त करूँ। मैंने इससे पहले भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर मेडल प्राप्त किया है। मैं ईशा, मैंने अभी स्टेट वुमेन लीग में गोल्ड मेडल लिया है जो कि पानीपत में हुई थी 28-29 को, और मैं पहले भी 3 बार गोल्ड मेडल, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट और 1 बार सिल्वर मेडलिस्ट रह चुकी हूँ। मैं यहाँ पिछले 4 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ और यहाँ के ओम प्रकाश सर, द्रोणाचार्य अवार्डी बहुत अच्छी प्रैक्टिस, मतलब बहुत अच्छी मैनेजमेंट हमें प्रोवाइड कर रहे हैं और हमारे सर हमारे साथ बहुत अच्छी मेहनत करके हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराते हैं। मैं विनोद गुलिया, वुशु कोच, प्रताप स्पोर्ट्स स्कूल खरखौदा, सोनीपत, हरियाणा। हमारे यहाँ की वुशु टीम में जो लड़कियां ने भाग लिया वहाँ वुमेन लीग जो है पानीपत में हमारे, तो उसमें हमारे स्कूल से 4 लड़कियों ने भाग लिया, 3 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। और इससे पहले भी इन खिलाड़ियों ने नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर पदक प्राप्त किए। आज ये जूनियर खेलो इंडिया वुशु जो चैंपियनशिप हुई थी स्टेट की, इसमें हमारे बच्चियां दीपिका है, अपर्णा है, ईशा है, गरिमा का ब्रॉन्ज मेडल आया, तीनों का गोल्ड मेडल आया। तो ये प्रताप स्कूल के लिए हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये बच्चे आगे चलकर भी इंटरनेशनल स्तर पर पदक प्राप्त करके भारत का गौरव बढ़ाएंगे, भारत के तिरंगे का मान बढ़ाएंगे। मैं ओम प्रकाश दहिया, द्रोणाचार्य अवार्डी, इन बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं देता हूँ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज चैनल हरियाणा लाइव 24 को।